हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि भाई मार्कशीट है तो मार्कशीट में टोटल कैसे करेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, पास एंड फेल और ग्रेड कैसे निकालेंगे, और थोड़े बहुत बेसिक फंक्शन का भी यूज़ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, टोटल करने के लिए अगले वीडियो में भी हमने सीखा था, सीधा टोटल करने के लिए अपने ऑटो सम यहाँ पे बटन प्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑटो सम यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। तो देखिए 285 इसका टोटल यहाँ पे मिल गया। जैसे हमें चेक करना है तो इसको यहाँ से नीचे ड्रैग कर लेते हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे अपने चेंज करेंगे कोई भी नंबर्स, तो अपने अब यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। देखिए यानी 50 50 और 50, यानी 150 ये टोटल हो गया हमारा। अभी हमें इसका एवरेज निकालना है, यानी परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए एक्सेल के अंदर क्या करेंगे, फंक्शन में गए, अभी यहाँ पे एवरेज बटन प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे अपने एवरेज में जाते हैं, यहाँ पे फाइंड करना है हमें एवरेज कहाँ पे है। देखिए तो ये हमारा एवरेज हो गया। ओके, तो एवरेज हमें इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के निकालनी है। तो हम यहाँ पे 95 95 95, तो इसका फॉर्मूला रिजल्ट भी हमें यहाँ पे दिख रहा है 95। तो ये हमारी एवरेज हो गई। तो ये हो गई हमारी एवरेज। ओके दोस्तों, अभी हमें यहाँ पे पास एंड फेल की फॉर्मूला फायर करनी है। जैसे हमने 3 सब्जेक्ट की मार्कशीट बनाई है, आप 7 सब्जेक्ट की भी बना सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अपने आप यहाँ पे पास फेल हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें कोई कंडीशन फायर करनी पड़ेगी। तो कंडीशन के लिए हम यहाँ पे सीधा भी लिख सकते हैं या फिर फंक्शन में जा सकते हैं। तो फंक्शन में जाके अपने यहाँ पे इफ़ कंडीशन को फायर करेंगे। तो ये इफ हो गया। ओके देखिए दोस्तों, यहाँ पे फंक्शन आर्ग्यूमेंट लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू और वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे डालेंगे हम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई 3 सब्जेक्ट है तो तीनों सब्जेक्ट को चेक करना है, तो मैं यहाँ पे एंड लिख देता हूँ। ठीक है, फिर हम यहाँ पे जैसे कि इंग्लिश के जो मार्क्स है, कौन सा सेल एड्रेस है उसका, तो D4, तो मैंने यहाँ पे लिखा मैंने D4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, यानी 35 या 35 से ज़्यादा हो। फिर दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है भाई, तो ई ई फोर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो सीधा यहाँ पे अपने आप E4 लिख के आ गया। देखिए तो E4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। फिर मैंने यहाँ पे कॉमा किया और अपने यहाँ पे F4 यानी साइंस के मार्क्स, तो भाई यहाँ पे F4 मैंने टाइप किया ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला यहाँ पे भी टाइप हुई और यहाँ पे फॉर्मूला बाद में भी दिख रही है। देखिए इफ एंड D4 35, E4 35 और F4 35, यानी 35 से ज़्यादा है तीनों सब्जेक्ट में तो ही यहाँ पे पास लिखा आना चाहिए, अदरवाइज फेल। देखिए ये हमारी फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे फेल लिखा। देखिए पास या फेल, यहाँ पे अपने कॉमा कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे रिजल्ट अभी कुछ मिल नहीं रहा है, यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। देखिए D4 35, E4 35, F4 35। खास इसमें ये ध्यान रखना है हमें कि भाई कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट कम किया हुआ है। देखिए 2 ब्रैकेट हमने ओपन किए हैं और 1 ब्रैकेट क्लोज किया है, यानी यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो ये ब्रैकेट हम यहाँ से क्लोज करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल रहा है। देखिए यहाँ पे पास का रिजल्ट मिल रहा है। ये बंदा है जो ए नाम का, तो इंग्लिश मैथ्स और साइंस तीनों सब्जेक्ट में उसके 95 95 नंबर है, तो यहाँ पे वो पास देखेगा। तो ये ओके करते हैं, यहाँ पे इसको नीचे की साइड ड्रैग करेंगे। देखिए ये लोग फेल हो गए। फेल क्यों हुए भाई, तो ये लड़का है जो सी नाम का, इसने इंग्लिश के एग्जाम नहीं दी है तो वो फेल दिख रहा है। 23 मैथ्स में है, साइंस में 34 है। ठीक है, तो डी वाला है तो उसका 34 है। अगर हमें इसको पास करना है या नंबर लिखने में कोई मिस्टेक किया है
तो मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे 35, 35 और यहाँ पे भी 35, तो आप देख सकते हैं 105 उसका टोटल हो गया, एवरेज उसकी 35 और ये पास हो गया। यानी मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला फायर किया था उसमें क्या लिखा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 35। यहाँ पे अगर 34 भी डालेंगे ना तो भी ये बंदा फेल दिखेगा, देखिए ये अपने अब यहाँ पे फेल हो गया। तो ये हम यहाँ से पास और फेल की कंडीशन यहाँ पे रन कर सकते हैं, उसमें अपने इफ फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अभी हमने पास फेल तो हो गया हमारा, पास फेल की कंडीशन हमें लगा दी, अभी अपने ग्रेड की कंडीशन सीखेंगे। ग्रेड की कंडीशन के लिए क्या करना है, तो हम यहाँ पे फंक्शन में नहीं जाएंगे, सीधा यहाँ पे इक्वल टू बटन प्रेस किया मैंने। इक्वल टू बटन प्रेस करके मैंने यहाँ पे इफ डाल दिया, इफ लिखा। अभी ग्रेड किसके ऊपर निकलेगा दोस्तों, एवरेज के ऊपर। तो एवरेज वाला यानी ए नाम का जो लड़का है उसका एवरेज H4, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ H4 ग्रेटर देन इक्वल टू। अभी हमें ये कंडीशन डालनी है तो कौन सी डालनी है, तो देखिए मैं यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, 80 के ऊपर जाता है तो ए प्लस देना है, 60 के ऊपर जाता है तो ए देना है, 50 के ऊपर जाता है तो बी ग्रेड देना है, और 35 के ऊपर जाता है तो उसको सी ग्रेड देना है, बाकी सब बच्चों को फेल। यानी ये कंडीशन हमें यहाँ पे फायर करनी है, तो उसके लिए अपने लॉजिक लिखेंगे। तो लॉजिक में क्या लिखेंगे कि भाई H4 यानी एवरेज परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, 80 के ऊपर जाता है तो उसको कौन सा ग्रेड देंगे दोस्तों, ए प्लस। ये हमारा ए प्लस हो गया। अभी 60 के ऊपर जाना है तो क्या करेंगे, फिर से हमें यहाँ पे इफ लिखना है, यहाँ पे लिखते हैं अपने H4 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, ए ग्रेड दे देंगे इसको 60 के ऊपर वाले को, तो ये हमारा लॉजिक हो गया। फिर से अपने इफ H4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, यानी 50 के ऊपर जाता है तो उसको अपने क्या करेंगे, बी ग्रेड देते हैं। फिर से अपने इफ H4 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, यानी 35 के ऊपर जाता है तो सी ग्रेड। देखिए ये हमारा लॉजिक हो गया, 1 2 3 4, फोर ब्रैकेट ओपन किए तो यानी फोर ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। देखिए ये हाँ यहाँ पे देखिए ए प्लस ग्रेड हमें दिख रहा है, तो ये फॉर्मूला बार में आप ये कंडीशन देख सकते हैं। देखिए ये फॉर ये कंडीशन ये हमें कोई भी लॉजिक रन करना है तो कर सकते हैं। एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसमें हम कोई भी लॉजिक रन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है तो मैं ये देखो यहाँ से ये काट देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, अदरवाइज सी। देखिए फिर से हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं। देखिए फॉर्मूला पढ़ने के लिए देखिए H4 यानी एवरेज 80 के ऊपर है तो ए प्लस, 60 के ऊपर है तो ए ग्रेड, 50 के ऊपर है तो बी अदरवाइज सी। ओके तो ये हमारा ग्रेड हो गया। अभी देखिए यहाँ पे एक और लॉजिक हमें रन करना है, देखते जाइए दोस्तों। देखिए तो ये बंदे फेल हुए हैं तो यहाँ पे देखिए सब जगह पे सी दिख रहा है, एक्चुअली ये सब फेल होना चाहिए, यानी यहाँ पे भी फेल लिखा आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमारा जो फॉर्मूला है, देखिए मैं यहाँ पे F2 बटन प्रेस करता हूँ तो ये फॉर्मूला ओपन हो जाती है, बड़े अक्सर दिखे हमारे वीडियो में इसलिए मैंने F2 किया। हम यहाँ से भी डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ। देखिए I4 मैंने लिखा, I4 का सेल एड्रेस आप देखते हैं I4 कहाँ पे है, ये पास फेल जो लिखा है तो ये पास फेल वाला, तो I4 इक्वल टू फेल, तो फेल होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे गलती भी करूँगा, ये मैंने एंटर किया, देखिए ऐसी एरर यहाँ पे दिख रही है,
एरर हम पढ़ेंगे, योर फॉर्मूला इज मिसिंग अ पैरामीटर और चेक द फॉर्मूला एंड देन ऐड द पैरेंथेसिस इन द अप्रोप्रिएट वैल्यू प्लेस। तो हमें फिर से हमारी फॉर्मूला चेक करनी है कि भाई कहाँ पे गलती हो गई। तो देखिए हमने एक यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट हमें क्लोज भी करना पड़ेगा, तो ये ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं, ये दूसरा एक ब्रैकेट क्लोज किया, फिर से मैं एंटर करता हूँ। देखिए यहाँ पे फिर से एक गलती दिख रही है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती है। तो क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला में गया, यहाँ पे ब्रैकेट, यानी मेन चीज हमें ये ब्रैकेट और कोमा, ये बहुत ध्यान रख के करना है। देखिए ये हमारा हो गया फॉर्मूला तैयार, मैं इसको नीचे की साइड ड्रैग करता हूँ। देखिए दोस्तों, तो ये यहाँ पे फेल है तो यहाँ पे भी फेल लिख के आ गया। फॉर्मूला में हमने क्या चेंज किया, आई फोर इक्वल टू फेल, तो फेल लिखा आना चाहिए, यानी आई फोर में यहाँ पे कहीं भी फेल लिखा आता है तो सीधा फेल हो जाना चाहिए। अगर फेल नहीं है तो फॉर्मूला आगे हमारा लॉजिक पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, 95 है, यहाँ पे मैं 34 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये फेल हो गया। इसको मैं पास करता हूँ, 35 किया मैंने, तो ये ग्रेड यहाँ पे मिल गया। तो अब हमारी ये फॉर्मूला पास एंड फेल और ग्रेड, और हमारी जो मार्कशीट है उसको अपने थोड़ा डिज़ाइन वर्क करना है। तो क्या करते हैं, देखिए इसको मैंने बोल्ड कर दिया, ये हमारा बोल्ड हो गया। इसको अपने इटालिक करते हैं, तो ये हमारा इटालिक हो गया। मार्कशीट का है जो नंबर यहाँ पे लिखे हैं, उसके फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी करनी है तो यहाँ से बड़ी कर लेते हैं। इसको अपने सेंटर करना है, तो ये हमारा मार्जिन सेंटर, उसको भी अपने बोल्ड करेंगे, बैकग्राउंड कलर करेंगे, उसको अपने बॉर्डर करेंगे। इस तरह से हमारी एक मार्कशीट है, उसको हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं वो हमने सीखा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। आगे भी वीडियो आएंगे बहुत सारे, आप देखते जाइए। ओके फ्रेंड्स।